कड़क रहता है, तो आज इसको दूसरे तरीके से बनाने वाले। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, सुबह का टाइम हो गया, मैंने अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया, तो कैसे वीडियो बने रहिएगा और हम लोग मॉर्निंग में दिखाएंगे। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ताज लोग हम लोग खाने में जा रहे हैं बनाने तुरोई का ठंडा, मतलब सरसों वाला मसाला वाला सब्जी चावल फुल देसी स्टाइल में, तो कैसे वीडियो बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताई वीडियो का स्टार्ट दोस्तों, कई मस्त किया है, मतलब तरोई है, तो अभी एक दिन हम इसका भुजिया बनाए थे रोटी के साथ, आज बिल्कुल अलग रेसिपी शेयर करेंगे। तो पहले छील लेते हैं इसके ऊपर का जो ये छिलका रहता है, अब थोड़ा कड़क रहता है, तो आज इसको दूसरे तरीके से बनाने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो बने रहिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस सारे को अच्छे से छील लेंगे छिलके को, दाल लहसुन छुड़ा दिए, तो ये मसाले निकाल लेते हैं, इसमें क्या क्या पिसाएगा तब सब्जी काटेंगे। एक ढक्कन पीला सरसों, चार पांच मिर्चा ले ली हैं, सब्जी काट लेते हैं फटाफट। तो सारे सब्जी को छील के अच्छे से धुल लिए हैं, अब इसको काट देते हैं। तो सारे सब्जी को काट लेते हैं, इधर मसाला पीस लेते हैं, तो इधर मसाला पीस के कंप्लीट कर चुकी है, तो अभी इसको निकाल लेती है। मसाला कंप्लीट हो चुका है, इधर सब्जी काट के कंप्लीट कर दिए हैं, मसाला पीसा के टमाटर को काट लेते हैं, क्या मस्त टमाटर है। तो इधर देखिए मम्मी आग जला ली है अच्छे से, तो इधर आग अच्छे से जल गया है, तो मम्मी कढ़ाई को रख देती है। इधर डाली चावल को साफ कर रही है, इधर मम्मी सब्जी को बनाने जा रही है, दोनों लोग काम करते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो डाली इधर चावल साफ कर दी है, तो कुकर में रख देगी और चलेगी चावल को धुलने। गर्म हो गया, तेल डाल देते हैं, तेल गर्म हो गया, कड़क इसमें मेथी डाल देंगे,
इधर मेथी जल गया है अच्छे से, और मसाला डालेंगे, हल्दी, नमक, टमाटर को डब्बी डाल देंगे साथ में, मेथी के मसाले को 5-7 मिनट भूनेंगे। यह मसाले चाय मस्त भून गया है, किराए किराए तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग बिल्कुल मसाले तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल चाय मस्त भून गया है। मसाले भून गए अच्छे से, सब्जी डाल देंगे अच्छे से, इसको मिक्स कर लेते हैं। यह सब्जी 3-4 मिनट अच्छे से मसाले का भून गया, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तरोई का ठंडा मसाला वाला सब्जी बहुत मस्त लगता है। अभी इसे पानी डाल देते हैं, इधर सब्जी बन रहा है और इधर डाली आटा सान रही है, तो आटा को सान लेती है अच्छे से। दोस्तों इधर सब्जी जो है कि बन चुका है, तो अभी इसको देख लेते हैं। सब्जी बन गया ना, तो सब्जी बन के कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको अभी इसको नीचे उतार देती है डाली पे, तावा रखेगी रोटियां बनाने के लिए। अभी तावा रख देती है इस पर, अब रोटियां फटाफट बनाते जाएगी। चावल भी धुल लिए हैं, अब रोटी बनेगा, चावल बनेगा। तो ये देखिए रोटियां बनते जा रहा है, डाली बनाते जा रही है। रोटी बना ली है डाली, इधर अनूप सब्जी रोटी गर्म गर्म खा के स्कूल चला जाएगा। तो इधर रोटी सब्जी अनूप को दे दिए, अनूप खा के स्कूल चला जाएगा, टिफिन भी इसका रख दिए हैं। अभी डाली रोटियां बना रही है, रोटी बन जाएगा, उसके बाद चावल रखेंगे। तो अनूप खाइए और आज का सब्जी बताइए तो कैसा हुआ है। बहुत टेस्टी हुआ, मस्त हुआ। फटाफट रोटियां बनाते जा रही है डाली, देखिए क्या फूला फूला मस्त रोटियां बन रहा है। तो इधर लास्ट रोटी है, सारा रोटी बन के कम्प्लीट हो गया, देखिए सब खत्म हो गया है, तो रोटी बन गया है लास्ट रोटी। अब चावल रखेंगे, अनूप भी उधर खाना खा चुका है, मतलब ना रोटी और सब्जी खा चुका है, अब स्कूल के निकल जाएगा। रोटी बन चुका है, अभी चावल को रख देती है चूल्हे पे। इधर अनूप भी खाना और नाश्ता वास्ता कर लिए, रोटी सब्जी और तैयार हो गए, अभी चलते हैं स्कूल। क्या ही मस्त आग जल रहा है दोस्तों, क्या ही मस्त तरोई का मसाले वाला सब्जी, ठंडा मसाला वाला चावल लग गया है। इधर हरीश खाने लगा, इधर डाली खाने निकला गया। और ये है करेले का चटनी, इसका रेसिपी नहीं शेयर किए हैं, बाद में आप लोग को दिखाएंगे किसी और दिन। तो अभी इस करेले का चटनी लोग को दे देते हैं, अब खाओ जी, बताओ जी कि आज करेले का चटनी कैसा लग रहा है। ठीक है हरीश, तो देखिए इधर सब्जी चावल करेले की चटनी लग गया, सब लोग बैठ गए खाना खाने, अनूप स्कूल चला गया है। तो डाली जी कैसा हुआ सब्जी, अनु हरीश अम्मी चटनी कैसा हो, चटनी ऐसे इधर एक लोग खाना खा रहे हैं। आज के वीडियो तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में, किस में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।